हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार पास में आ रहा है, तो जन्माष्टमी पे आप फटाफट से ये लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं और इसका टेस्ट जो है आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन करेगा कि हम कोई भी फेस्टिवल हो, हर त्यौहार पे हम इस तरीके से फटाफट लड्डू बना लें। तो फटाफट लड्डू बनाने से टाइम भी बच जाता है, हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो फटाफट से हम देख लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी लड्डू। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं सुमेरो किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसको गर्म कर दिया है और गैस पे रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे 2 चम्मच हम यहाँ पर घी डाल देंगे। तो इसको हम देते हैं पिघलने देते हैं और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे घी को। तो घी हमारा जो है अच्छे से गरम हो चुका है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्लेट में कुछ चीज़ें ली हैं, आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे ये किशमिश है थोड़ी सी, और ये मूंगफली के दाने हैं थोड़े से, और ये मखाने हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सारी चीज़ों को इस घी में यहाँ पे डाल देना है एक साथ। आप चाहें तो अलग अलग डालकर भी भून सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अलग अलग ही भूनिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें इस तरह से भून दिया था। आप देख सकते हैं किशमिश हमारी एकदम काली हो गई है, क्योंकि जो तेल है एकदम से तेज़ था, पता नहीं लग पाया था। तो यहाँ पर हमने देखिए मखानों को इस तरह से तोड़ लेना है। तो इस तरह से हम तोड़ के रख लेंगे सारे मखाने। और ये मूँगफली है, इसके हम ऊपर से इस तरह से मीजेंगे, यानी कि थोड़ा सा छिक्कल इस तरह से हटा देंगे इसको। आप देख सकते हैं आसानी से छिक्कल हट रहे हैं, मूंगफली भी तल चुकी हुई है। तो इस तरह से हमें सारे छिक्कल हटा लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने रख ली, आप देख सकते हैं मखाने को हमने अच्छे से तोड़ लिया है। और ये किशमिश हमने फ्रेश ले लिए फिर से, तो क्योंकि हमारे वाली जल गई थी। और ये हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, आप देख सकते हैं सारा हमने छिलका हटा लिया है। और इस तरीके से हम इसको जो दानों को 2 टुकड़े में इस तरह से तोड़ देंगे हाथ से, तो ये एक दाना जो है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। इससे आसानी रहेगी लड्डू बनाने में। और जली हुई किशमिश को हम हटा देते हैं, क्योंकि तेल अगर हल्का सा गर्म होता ना तो ये किशमिश जलती ना। तो आप हल्का गर्म करिएगा अगर आप करना चाहते हैं हल्का सा रोस्ट किशमिश को। ये ज़्यादा होने के कारण ही ये जल चुकी है। तो आप ज़्यादा यूज़ अगर करना चाहें तो फ्रेश किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, उसको तले ना। तो आप सिर्फ मूँगफली को और इसको तल लीजिए, और किशमिश को ना तलिए, बस मखानों को तल लीजिए, मूंगफली को। यहाँ पे देखिए ये हमने सूजी ली है, ये सूजी हमारी 1.5 कटोरी सूजी थी। आप घर में कोई भी कटोरी ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है। तो उसी जिसमें जिस तेल में हमने मखाने वगैरह भुने थे ना, उसी मतलब घी में हमने ये सूजी डाल दी है। और इसको हमें चलाते रहना है कम से कम 10 मिनट तक, और ये ब्राउन हो जाएगी फटाफट से। अब हमें यहाँ पे ये आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी है। तो आप इसी चीनी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शक्कर ली है बिना पिसी हुई, इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से हम चला लेंगे आपस में, और शक्कर जो है थोड़ी देर बाद घुल जाएगी। तो कैमरा जो है थोड़ा सा हम दिखा नहीं पाए आपको सूजी डालते हुए इसमें, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप 1.5 कटोरी सूजी डाल सकते हैं, और फिर जितना लड्डू आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने इसी में मिक्स कर दी हैं, और अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो खाने में, जैसे कि बादाम वगैरह है, काजू वगैरह है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसको चलाते चलाते हमें 5 मिनट और हो गया है, तो हमने खूब अच्छे से भून लिया। इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, बहुत ही हल्का सा। थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देंगे 3-4 चम्मच के करीब, और फिर उसके बाद देखेंगे चलाकर। ये अभी ज़्यादा गीला भी नहीं हुआ है और एकदम सूखा सूखा है। अगर आपको सूखा सूखा ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और डाल सकते हैं, 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम है, तो आप इतना दूध ले लीजिए और इसको इसमें डालकर इस तरह से चलाएंगे। आप देखेंगे कि आपका हल्का सा गीला सा हो गया है। तो जब गीला हल्का सा हो जाए मतलब लड्डू बनाने लायक हो जाएगा। ज़्यादा गीला ना करें, बिल्कुल हलवा जैसा बनता है गीला, वैसा हमें गीला नहीं करना है। बस इतना गीला कर देना है जिससे आराम से लड्डू बन जाए। तो अब गैस को बंद कर देंगे, और हमने इसको प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम कंसिस्टेंसी इसकी है, ना एकदम गीला ना एकदम सूखा।
अभी ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गुनगुनाया, हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, फिर उसको इस तरीके से हाथों में लेकर इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आप दबा दबा कर लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे आपके, जो सूजी है एकदम दानेदार दिखेगी वो लड्डू में, और आसानी से ये बंध जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, एकदम से बंध गए हैं, लड्डू की शेप एकदम बढ़िया बन चुकी है, और दाना आपको दिख रहा होगा सूजी का, थोड़ी देर बाद ये गीली है तो आराम से इसके अंदर और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ये जो सूजी का दाना होता है ना थोड़ा सा, तो जो थोड़ा देर लगता है इसको थोड़ा भीगने में, तो एकदम कच्चापन आपको नहीं लगेगा, एकदम आराम से ये गीले गीला है जो मैटर है हमारा लड्डुओं का, तो आराम से ये जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, सूजी है एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम लड्डू बना है, इसका कलर कितना अच्छा है, दाना दाना आपको दिख रहा होगा, मतलब आप इसको खा के देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे, आपको लगेगा एकदम खोए जैसे ये लड्डू हैं, खोए की तरह आपको लड्डू लगेंगे, और इसमें बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और खर्च भी बहुत कम आता है, किफ़ायती लड्डू हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, टेस्ट भी बेहतरीन है। तो हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में भी, अगर कि कोई आए आपके घर में आप उसको खिला सकते हैं, उसको मज़ा आ जाएगा ये खाकर, आप भी एक बार बनाएंगे तो आप भी का भी मन करेगा बार बार इस तरह के लड्डू बनाने का। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सब लोग जन्माष्टमी पर इस प्रसाद को बना सकें, खा सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, यूट्यूब को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो को शेयर करें, जिससे सब तक पहुँच सके ये वीडियो, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए फटाफट से, और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छे से बने, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में कुछ नई नई रेसिपी के साथ, बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।